राज्यपाल सांसदां ते विधायकां दा किसान कर रहे सी विरोध। पुलिस ने वराईयां डांगा। अके किसानां ने ट्रैक्टरां दे नाल तोड़ दिते बैरीकेड। जरा तुसी भी देखो पुलिस ने किवें कुटे किसान। जी हाँ, झोने की खरीद शुरू होने का इंतजार कर रहे किसानों को तरीक ते तरीक मिली, जिस तो खफा हो के किसानों ने हरियाणा च भाजपा मंत्रियों का घर का घिराओ करन दा ऐलान कर दिता सी। इसे नू लेके हुण तस्वीर पंचकूला ते अंबाला तो सामने आ रही ने, जिथे भाजपा सांसदां ते विधायकां दा विरोध करन ले किसान बैरीकेडिंग तोड़ के अगे वधण की कोशिश कर रहे सी, तां पुलिस वल्लों किसानां ते डांगा वराईयां गईयां, जिस तो बाद किसान बैरीकेड तोड़ के अंबाला च पहुंचते ने, तो उत्थे जाके भाजपा के विधायक के घर बाहर पक्का धरना ला लिया जाता है। हालांकि किसानों ने कहा कि पुलिस वालों हिंसक रूप धारण किया गया, पर किसानों वालों अपना हक मंगया जा रहा है। हुण एक बार तुसी भी ना तस्वीरों ते नज़र मारो। विरोध प्रदर्शन के लिए बैरिकेड इन्होंने लगाई क्यों हैं? हम तो आज गांधी जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जयंती है, हम तो शांत में ढंग से आ रहे थे। इनके गृह मंत्री ने आज सुबह ट्वीट किया कि जो किसान हैं वो हिंसा का रास्ता अपनाए। हमने हिंसा की ही नहीं है, हिंसा आपने की है। आपने बैरिकेड लगाए, आपने पानी की बिछौरे के लिए हमारे डंडे मारने के लिए, तो गांधी जयंती के ऊपर देखें आप हरियाणा पुलिस क्या कर रही है किसानों के साथ। जो किसानों की धान की खरीद आपने ही घोषणा करी थी, पहले 25 तारीख को खरीद शुरू करने का वादा किया था, फिर 1 तारीख को उसको 11 तारीख को कर दिया। ऊपर देखिए आसमान पे बादल हुआ हुआ है, किसानों की फसल पककर तैयार है, मंडियों में पड़ी है, तो उसको जिम्मेदार कौन होगा? किसान अपना हक मांग रहे थे और जो दुष्यंत चौटाला हैं वो क्या बोलते थे कि MSP थी, अगर किसानों पर आंच आएगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो आप आज इस्तीफा दे दिया, आपके किसानों पर आंच आ रही है। किस तरह का विरोध प्रदर्शन करने की? शांतमय ढंग से प्रदर्शन होगा और बैरिकेड तोड़ के हम असीम गोयल जो विधायक हैं बाड़ा से, उनके घर के सामने प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पर भी आप भैया इसका हल होगा, सरकार से बातचीत करके इसका हल होगा। उनको समझाने के लिए फोर्स लगाई गई है। सुरक्षा क्या बंदोबस्त? सुरक्षा के लिए तो 24 घंटे बंदोबस्त है, नाके लगे हुए हैं, भी शांति व्यवस्था कायम रहे। किसान नेताओं से भी हमारी बात हुई है, कोई ऐसी बात नहीं, शांति प्रिय ढंग से वो अपना प्रदर्शन करेंगे जो भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सांझ टीवी। मर्दाना कमजोरी दूर करने माहिर, ताकत जोश अते जवानी दी आखरी उम्मीद, कदों तक गुप्त रोगां नूं बचाउंदे रहोगे? अनेक डाक्टरां हकीमां तों पुड़ियां खा के तंग आ चुके हो, निराश हो चुके हो, परेशान रोगी अज ही संपर्क करन, उम्र होवे 25 या 80, हुण होवेगा पक्का इलाज। दर दर ना भटको, कांत, शिगर पतन, घट शकराणु, सुपन दोष, ना मर्दी, मर्दाना कमजोरी एक बार जरूर आजमाओ। मैं वादा करदा हाँ तुसी निराश नहीं होवोगे। वर्मा दवाखाना, नियर नाइया वाला चौंक फगवाड़ा, मोबाइल नंबर 98150 6471, 98144 6471।